राजनांदगांव जिले में बीते दिनों पेंड्री वाडा में कामता पटेल नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पेंड्री वार्ड में कामता पटेल नाम के व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला हुआ था। चाकू के हमले के बाद कामता पटेल की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। वहीं कामता पटेल की मौत के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार हत्या में एक नाबालिग के अलावा शिव साहू और विजय यादव शामिल हैं। पुलिस के अनुसार एक नाबालिग का उपयोग हत्या के लिए किया गया था। वहीं नाबालिग ने पुलिस को बताया कि नाबालिग को शिव साहू ने कहा था कि तुम हत्या कर देना, मैं तुम्हें बचा के निकाल लूंगा। आज इसी आधार पर पुलिस ने कामता पटेल की हत्या के आरोप में नाबालिग के अलावा शिव साहू और विजय यादव को भी हिरासत में ले लिया है। 17 तारीख को शाम करीब 5 बजे पेंड्री बस्ती के पास में एक युवक की हत्या कर दी है, जिसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लाया गया करके उसकी प्राथमिक रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, पंचनामा कार्रवाई किया गया, जिसमें युवक के द्वारा हत्या करने की बात पुष्टि हुई। नाबालिग विधि से संघर्षरत वाला से पूछताछ किया गया, जो पूर्व में उसके साथ रंजिशों ने बताया, और अन्य आरोपी शिवा साहू व विजय यादव उर्फ बाबा के साथ ही पूर्व में कामता यादव के कामता पटेल के साथ में लड़ाई झगड़ा होना बताए थे पूर्व में। इस रंजिश पर से शिवा साहू ने नाबालिग बालक को पूर्व में बकरा चोरी के अपराध में हुआ था, जिसमें नाबालिग बालक जेल नहीं गया था, तो उसी बात पर से उसका फायदा उठा करके नाबालिग बालक को बोला था कि तुम जो है उसको मार देना कामता पटेल को, और मैं तेरे को छुड़ा लूंगा करके शिवा साहू ने ऐसा आश्वासन दिया था। इस बात पर से उन लोग ताक पर थे और घटना दिनांक को समय पर आपस में लड़ाई झगड़ा हुए, और इसी बात पर से विधि से संघर्षरत बालक व विजय यादव उर्फ बाबा दोनों ने मृतक कामता पटेल को चाकू से मारकर हत्या कर दी है। प्रकरण में विधि से संघर्षरत बालक को कल विधिवत कार्रवाई कर दिया गया है और आज दो अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेंड्री अटल वास में रहते हम लोग, वहाँ एक मर्डर हुआ है, तो वो जो मर्डर किए हैं उसमें से वो एक नाबालिग लड़का किया है। वो नाबालिग भी बोल रहा है कि इसमें ये इन्वॉल्व नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड को यहाँ लाया गया है। अब पूछताछ के लिए लाए थे नाइट में, तो चल हम लोग पूछताछ के लिए लाए हैं ऐसे करके मैं उसको भेज भी दी थी। अब सुबह फिर उसको पूछताछ के लाए, अब वो सुबह से उसको बैठा के रखे कल से।